हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा 2023-24 सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर टू, और चैप्टर टू पॉलिनोमियल को स्टडी करेंगे। अगर आप इसके बिल्कुल बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और इसके साथ साथ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने उनको लिया है, और जितना भी हमारा सिलेबस है दैट इज अपडेटेड। यहाँ पर जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपका लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मिलेगा। मींस केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन, ये सारा का सारा हमने एक पूरे पैटर्न से अरेंज किया हुआ, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क टुडे। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू विल सी इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, वन जीरो। देखो, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं एक अल्फा और दूसरा होता है बीटा, एक अल्फा और दूसरा होता है बीटा। जीरो ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो आंसर जीरो हो जाए। हमने कहा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं कह रही हूँ उस पॉलिनोमियल के अंदर मैंने के पुट किया तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, जीरो। तो इस जो ये है ना, ये के जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो गया उसको ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। नाउ हियर इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, आप बताइए। हमने कहा दो जीरोस क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। हमने कहा एक अगर अल्फा है तो दूसरा बीटा नहीं, अब की बार होगा वन बाय अल्फा। वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। नाउ मैंने कहा था इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम निकालते हैं सम और दूसरा क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। सम और क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। आपको रिलेशन पता होना चाहिए, सम मतलब दो जीरोस का सम। अगर आपके पास दो जीरो हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो सम बनेगा अल्फा प्लस बीटा और उसकी वैल्यू होगी माइनस बी बाय ए। लेकिन अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो प्रोडक्ट होगा कितना, सी बाय ए, राइट। नाउ हियर आई एम सेइंग प्रोडक्ट, देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो सम निकालना क्या जरूरी है, नो। हम प्रोडक्ट से काम चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, देखो एक है अल्फा, दूसरा बीटा, और बीटा की वैल्यू भी वन बाय अल्फा है, बीटा की वैल्यू भी वन बाय अल्फा है। अब फाइंड आउट करते हैं ए बी सी। बेटा ये होता है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो आप देखो ए की वैल्यू कंपेयर करो, ये देखो मैम एक्स स्क्वायर के साथ में जो बैठा हुआ है ना वो ए है, एक्स के साथ में जो बैठा हुआ है ना वो बी है, और जो ये वैल्यू है ना वो क्या है, सी है। ये वैल्यू क्या है हमारी, सी। तो अल्फा इंटू वन बाय अल्फा सी, सी कितना हमारा के, सी कितना हमारा के, और ए, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, थ्री। ये देखो ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमारे को, थ्री। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं कैसे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, वन इक्वल टू आ गया के बाय थ्री। थ्री यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, थ्री के इक्वल आ गई। के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, थ्री। मीन्स ऑप्शन नंबर, दिस इज करेक्ट, ए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देख रहे हो सारे क्वेश्चन जितने भी लिए हैं वो आपके बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं, कहीं इधर उधर से नहीं लिया हमने, हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। बेटा देखो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोज कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक, तो हमने कहा जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इन टू एम प्लस थ्री। करना क्या है, जो भी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मीन्स
एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, ये देखो यहाँ वन, ठीक है वन कॉफिशियंट, और लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म ये ए है और ये सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच वाली टर्म बनाते हैं। देखो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम एम इन टू एम प्लस थ्री ही आएगा, एम और एम प्लस थ्री ही आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस मल्टीप्लाई को ऐसा करो कि जो सम है वो किसके इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म कौन है भाई, मिडिल टर्म ढूंढो, माइनस थ्री। क्या करूं ऐसा आप बताओ, क्या करें ऐसा, सब्ट्रैक्ट कर दे एम माइनस एम प्लस थ्री, है ना, मल्टीप्लाई करके ये बन जाए, ऐड करके माइनस थ्री, एम माइनस एम देन हेयर माइनस थ्री, तो एम से एम कैंसिल, आंसर आ गया माइनस थ्री। कर दो स्प्लिट, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स राइट, देन माइनस ऑफ एम प्लस थ्री इंटू एक्स, देन माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, राइट बेटा। नाउ टेक कॉमन, एक्स कॉमन लिया मैम, एक्स प्लस एम आ गया, बिल्कुल इन दोनों टर्म्स में से एम प्लस थ्री कॉमन लिया, माइनस एम प्लस थ्री कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एम आ जाएगा, पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस एम, ले लिया हमने कॉमन, क्या रह गया एक्स माइनस ऑफ एम प्लस थ्री आ गया बेटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एम और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एम प्लस थ्री, कैसे ये वैल्यू इधर लेके जाएंगे इक्वल टू जीरो आएगा और इधर लेके जाएंगे तो एम प्लस थ्री बनेगा, ये प्लस का एम है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का एम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई माइनस एम और दूसरा आ गया कितना एम प्लस थ्री, कितना आ गया एम प्लस थ्री। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हियर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल वेनिशेस, देखो समझो जरा क्वेश्चन को समझो, द वैल्यू ऑफ एक्स हमें पूछ रहा है ये एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन क्या हो जाए वेनिशेस, वेनिशेस मतलब होता है जीरो के इक्वल। तो देखो बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस वन है ना, इसको फैक्टर बना देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, पता ही होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। आप कह रहे हो एक्स की वैल्यू वन आएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर प्लस वन है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक आ गई वन और एक आ गई माइनस वन, तो इन वैल्यूज पर ऑब्वियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। अब इस वन को यहाँ पुट कर देते हैं, वन होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू वन प्लस वन राइट, वन प्लस वन माइनस का टू, टू माइनस टू किसके इक्वल आ गया जीरो के इक्वल। आप कह रहे हो वन पर आंसर क्या आ गया जीरो, वन पर आंसर क्या आ गया जीरो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स कम टू इट, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखो वी हैव हेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है मेरे पास यही बना है, हमें फाइंड आउट करना है वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस का अल्फा बीटा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं और क्वाड्रेटिक गिवन है, तो एक ही काम करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के बैठ जाना, माइनस बी बाय ए और क्या करना है सी बाय ए। मैम ए और बी और सी नहीं पता, तो बेटा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये रख दिया, ठीक है। कंपेयर इट, कंपेयर इट कैसे, एक्स स्क्वेयर के बिल्कुल साथ में वन है, एक्स के बिल्कुल साथ में माइनस वन है और लास्ट टर्म जो है वो क्या है सी, तो ए की वैल्यू कह रहे हो वन, बी की वैल्यू कह रहे हो माइनस वन और सी की वैल्यू कह रहे हो माइनस फोर, बिल्कुल। नाउ सब्स्टिट्यूट इट, यहाँ पुट करते हैं, देखो माइनस बी की वैल्यू आप कह रहे हो माइनस वन है, ए की वैल्यू कितनी है वन, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का फोर और ए की वैल्यू कितनी है वन। हेयर वी विल फाइंड दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस फोर। मैम क्वेश्चन में तो ये फाइंड आउट करना है, देखो ये फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं वन बाय, देखो जब भी हमारे पास इस तरह के टर्म हो ना, टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, नाउ अल्फा बीटा को इससे डिवाइड करते हैं अल्फा से, ये देखो अल्फा से डिवाइड किया कितना बन गया बीटा, बीटा को वन से मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड किया, देखो ये कैंसिल, अल्फा अल्फा इंटू वन अल्फा माइनस अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा राइट। नाउ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, आप बताओ फटाफट से वन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी बता दो माइनस का फोर राइट, ठीक है माइनस अल्फा इंटू बीटा,
आप बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी है, इट इज इक्वल्स टू माइनस का 4, राइट। नाउ सॉल्व इट, माइनस 1 प्लस 4, राइट, माइनस 1, 4 फोर जो 16 डिवाइड बाय 4, कितना आंसर आ गया, 15 बाय 4, व्हाट इज द आंसर हियर, 15 बाय 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेक्स्ट इज इफ द सम ऑफ जीरोस इज दिस, देखो पॉलिनोमियल गिवन है, अब कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2x³ माइनस का 3kx² प्लस का 4x माइनस का 5, है तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज किसके इक्वल है, 6, ठीक है। मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि पूरा लिखना है, ठीक है, आप सिंपली भी कर सकते हैं। तो हेयर आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू, सो दैट्स व्हाई, टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग दिस वैल्यू। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 6, क्या गिवन है, 6। नाउ एक्स के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो हम कहते हैं हमारे पास होता है माइनस का बी बाय ए, और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 6। अब बी, बी बताओ क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल ठीक है मैम। यहाँ से हम क्या बी निकाल सकते हैं, ये देखो ये रहा, ये एक्स स्क्वेयर को छोड़ के, यहाँ से ए की, ए के साथ में जो वैल्यू दिखाई दे रही है कितनी दिखाई दे रही है, 2, तो ये माइनस ऑफ बी, बी कितना है बेटा, माइनस का 3k, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2, किसके इक्वल आ गया, 6, राइट। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व कर दो इसको, 3k डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 6, 3k किसके इक्वल आ गया, 12, k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4, तो आंसर कितना आ गया, 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट, k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, स्क्वेयर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरो, स्क्वेयर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरो, तो बेटा बेटा स्क्वेयर डिफरेंस क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, उसका स्क्वेयर किसके इक्वल है, 144, किसके इक्वल है, 144। मैंने कहा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे ध्यान दो, ये होता है माइनस बी बाय ए और ये होता है सी बाय ए, राइट। अब माइनस का बी, माइनस बी, देखो बी एक्स के साथ में जो वैल्यू है, एक्स के साथ में जो वैल्यू है पी, ए, ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वेयर के साथ में जो वैल्यू होती है ना, कंपेयर करते हैं ना, ऐसे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, राइट, तो बी के साथ में क्या है, पी, तो यहाँ रख दिया, ए के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 1, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब सी, सी क्या है हमारे पास, चेक इट, सी की वैल्यू कितनी है, 45, यहाँ रख देते हैं 45, ए की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। नाउ नाउ मैम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 144 है, मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो ये गिवन है तो इसी को यूज़ करना पड़ेगा बेटा, इसी को यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर इधर जाएगा सबसे पहले, तो ये जो स्क्वायर है ना उसको यहाँ भेज दो, ठीक है, स्क्वायर को, या फिर, या मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, देखो ए माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई थिंक पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α β, दो फॉर्मूले देख लो, ये दिख गए, ये दिख गए। अब यहाँ से इस वैल्यू को निकालो, ये देखो ये दिख रही है आपको, ये वैल्यू, ये निकाल लो बेटा, बाद में मैं आपको फॉर्मूला लर्न करवा दूंगी, तो प्लस 2α β इधर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α β, राइट बेटा, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद करना था वरना तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मिनट ही लेगा, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। मैंने क्या कहा, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली, इसको इधर लेके गई,
इधर लेके ये वैल्यू यहाँ रख दी, इसमें इसमें ये जो है ना यहाँ यहाँ रखी है मैंने इसको, ये पूरी वैल्यू क्या है इसी की है, और उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है माइनस का टू अल्फा बीटा, राइट। तो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, टू अल्फा बीटा होता है फोर अल्फा बीटा। तो याद कर लो बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो ये है, और अल्फा माइनस बीटा क्या है, स्क्वायर इधर जाके रूट। दोबारा समझ लेते हैं कि मेरे पास अगर आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो मैम जैसे हमने फॉर्मूला याद कर रखा है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम कर देंगे। और हमने क्या काम किया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये होता है अल्फा स्क्वायर, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला, माइनस फोर अल्फा बीटा। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलो, ये रही माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस फोर, अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो 45, किसके इक्वल आ गया 144। सॉल्व इट, पी स्क्वायर देन माइनस 180 इक्वल टू 144, पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180 ऐड कर दो 324, पी स्क्वायर की वैल्यू 324, पी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस, ये होता है 18 का स्क्वायर, तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ गई 18, आंसर प्लस माइनस 18। पता होगा ना स्क्वायर को जब इधर लाते हैं तो रूट प्लस माइनस हो जाता है, मैम प्लस माइनस क्यों आता है, 18 का स्क्वायर करोगे तो भी 324 बेटा, और माइनस 18 का स्क्वायर करोगे तो भी 324, है ना, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कितना है 324, सो दैट्स वाई, राइट, क्लियर, ओके। नाउ इन दिस वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दिस, कहता है एक जीरो हमें पता है कितना है माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ k, तो सिंपल सी बात है करेंगे क्या, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं k माइनस 1 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1, राइट, एक जीरो गिवन है, जीरो का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो, वो वैल्यू कौन सी है माइनस 3, तो माइनस 3 को जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, के माइनस 1 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस 3 प्लस 1, राइट, इक्वल आ गया किसके, जीरो के। ठीक है, सॉल्व इट, के माइनस 1 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई इट, 9k माइनस 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0, 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, 6k की वैल्यू कितनी आ गई 8, k की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाय 6 विच इज इक्वल टू कितना 4 बाय 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाय 3, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, जब भी जीरोस गिवन हो तो एक जीरो पुट कर देते हैं और k की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू विल स्टडी हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमें जीरोज गिवन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और एक्चुअल में ये 1 मार्क का ही है, हाफ मार्क का भी हो सकता है। अल्फा की वैल्यू है माइनस 3, बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 4, बीटा की वैल्यू क्या है 4, अल्फा की वैल्यू माइनस 3, बीटा की वैल्यू है 4, यहाँ से हमने कहा हमें एक पॉलिनोमियल चाहिए, हमें एक पॉलिनोमियल चाहिए, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी, राइट। अब मैम एस क्या होता है सम, एस क्या होता है सम ऑफ जीरोस, पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। नाउ हियर एक्स स्क्वायर सम कितना है, देखो सम निकालना पड़ेगा ना, अल्फा प्लस बीटा, एस की वैल्यू सम निकालो, माइनस का 3 प्लस का 4 कितना आ गया 1, प्रोडक्ट निकालो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, माइनस का 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 12, तो सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया, पुट इट हियर, रख देते हैं इसके अंदर, एस की जगह हमने कहा 1 रखो, ठीक है, हमने कहा 1 रखो, और प्रोडक्ट की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर, प्रोडक्ट की जगह क्या रखना है यहाँ पर 12, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, लेट्स सी दिस विच वन इज करेक्ट हियर, यहाँ पर आप कहेंगे मैम कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन
कैन यू सी दिस डी ऑप्शन, टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कैसे मिलेगा मैम, इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ, क्योंकि जब भी आप वैल्यू निकालते हो ना तो के इंटू होता है बेटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस थ्री होता है, ठीक है। तो ये के कुछ भी हो सकता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में। तो यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स बाय टू एंड हेयर माइनस का सिक्स। तो ये पूरा का पूरा हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर ठीक हो गया, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल टेक then that is the zeros are, the next is here if the zeros of the quadratic polynomial are 2 and minus 3, हमें question क्या given है यहाँ पर कि zeros जो हैं वो क्या है, एक है 2 और ये क्या है यहाँ पर minus 3, beta की value क्या है minus 3, ठीक है। now फाइंड ए एंड बी, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ए और बी, तो बेटा बस आपको ये वैल्यूज को ही पुट करना है। जीरोज का मतलब भी क्या होता है कि इसको इसमें पुट करें और आंसर जीरो हो जाए। तो यहाँ पर आता है टू का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू टू प्लस का बी इक्वल टू जीरो, राइट। फोर प्लस ए टू ए प्लस टू प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आ गया टू ए प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से आ गया हमारे पास टू इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का सिक्स, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेम हेयर पुट द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वी हैव हेयर थ्री होल स्क्वायर प्लस का ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री एंड देन प्लस बी, राइट, इक्वल्स टू जीरो। तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस थ्री ए माइनस का थ्री प्लस का बी इक्वल टू जीरो, माइनस का थ्री ए प्लस का बी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा दो दो आ गई इक्वेशंस, कौन कौन सी, माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स, माइनस सिक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ से बी की वैल्यू निकाले, क्योंकि अभी तक एलिमिनेशन का नहीं पता आपको। तो बी की वैल्यू है माइनस सिक्स प्लस थ्री ए, मैम इस बी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो टू ए माइनस सिक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू माइनस सिक्स, राइट। तो यहां से ये जो माइनस सिक्स है माइनस सिक्स से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइव ए कितना आ गया जीरो, ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, पुट कर देते हैं यहां पर। टू इंटू जीरो प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस सिक्स, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस सिक्स। तो आंसर इज जीरो एंड माइनस सिक्स, जीरो एंड माइनस सिक्स, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो होप सो यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, है ना। और ये भी नहीं आता, चलो मान लो आप ये कहें कि मैम ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हेयर, ठीक है। वो आप देख लेना कि जैसे आपको सुटेबल लगे, यू कैन पुट हेयर एक्स स्क्वायर या जाएगा माइनस सेवन, यहाँ पुट करते हैं माइनस सेवन प्लस वन दैट इज माइनस सिक्स एक्स, और बी की वैल्यू पुट कर दिए तो माइनस वन, ठीक है। तो क्या इसके जीरोज हमारे टू और माइनस थ्री है, नो। देन एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू मैंने पुट करी फाइव, फाइव प्लस वन होता है सिक्स एक्स, राइट। देन बी, बी की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पर माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ से भी टू और थ्री नहीं आ रहा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर डी ऑप्शन दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर, राइट, ए, ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर जीरो, तो जीरो प्लस वन, राइट। बी की वैल्यू थी मेरी माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स, वन एक्स माइनस सिक्स, वन एक्स माइनस का सिक्स। आप देख सकते हैं फैक्टर आ रहा है टू और थ्री, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हेयर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर मैंशन नहीं है, डोंट थिंक कि मैम ने कहीं से भी क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज मस्ट रिवाइज ना, यू शुड रिवाइज इट, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि टॉपिक एक्चुअल में क्या है। एनसीईआरटी दैट विल गिव यू द स्टैंडर्ड के हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड है, उसके बाद आप अपने लेवल पर क्या करो, चीज़ों को प्रिपेयर करो, अपने लेवल पर आप अपनी तैयारी रखो। और अपनी लेवल की तैयारी का मतलब होता है टॉपिक को घुमा फिरा कर कहीं से भी क्वेश्चन को दे देना और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, ठीक है। सो हेयर आई हैव दिस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस,
क्वेश्चन में पूछा गया है बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, देखो कैसे कैसे हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो जो आपकी अभी अभी की नॉलेज है ना उसके ऊपर काम करती हूँ मैं। अभी पिछली वाली अगर आपने आगे चैप्टर किए हुए हैं तो एक हमारे पास आता था क्वाड्रेटिक का चैप्टर, चैप्टर 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आई विल सॉल्व इट फॉर यू। कैसे? सम ऑफ जीरोज तो पता है मैम, माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अब सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस, बी की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 1, मतलब नेगेटिव आ रहा है, किसी चीज का सम नेगेटिव आ रहा है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू आ रही है 127 और ए की वैल्यू आ रही है 1। तो मैम दो चीज़ों की प्रोडक्ट क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। देखो हम कह रहे हैं दो चीज़ों का प्लस तो नेगेटिव आ रहा है, और दो चीज़ों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है। बोलो क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों, क्योंकि फिर तो सम पॉजिटिव आता। एक को प्लस ले एक को माइनस ले तो मैम प्रोडक्ट माइनस आनी चाहिए थी, ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता। अब दोनों को अगर नेगेटिव लें तो एडिशन नेगेटिव आएगी, सबसे पहली बात तो ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस विल बी राइट आई थिंक, है ना, बिल्कुल ठीक। तो हम सॉरी यहाँ पर बोथ नेगेटिव की जगह बी ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पर आंसर आएगा बी विच इज बोथ नेगेटिव, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी यहाँ पर? नेगेटिव, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव, इट इज जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन नॉट बोथ बी। देख रहे हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी से ही सॉल्व करने हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कैसे, देखो है तो सिंपल ही, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस के, ये गिवन है मुझे, ठीक है। नाउ सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए मैम, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए मैम, सी बाय ए विच इज इक्वल टू के बाय वन। आप कह रहे हो दो चीज़ों की जो सम है, दो चीज़ों का सम नेगेटिव आ रहा है, सम क्या रहा है? नेगेटिव। और आपने क्या कहा कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव, ठीक है। वो आ रही है क्या? पॉजिटिव। तो वो कहता है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, है ना। अब के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना। के मैम अगर के नेगेटिव हो तो, के अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ हम बना देते हैं दो केस, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अभी हमें कन्फर्मेशन नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास वैल्यूज आ रही थी और वो हम कंफर्म कर रहे थे। तो के को अगर मैं जीरो से लेस ले लूँ, सोचो के को अगर जीरो से लेस ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस और माइनस, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, और पूरा का पूरा सम पॉजिटिव हो गया। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आएगा के, और के हमारा नेगेटिव। तो आप कह रहे हो मैम सम तो पॉजिटिव हो, दो चीज़ों का सम तो पॉजिटिव हो और ये क्या हो? नेगेटिव। तो अल्फा और बीटा को अपोजिट साइन होना चाहिए, ऑफ अपोजिट साइन, उनके साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट, अलग अलग साइन होने चाहिए। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। नाउ हेयर इफ के इज पॉजिटिव, अगर हम कह रहे हैं के पॉजिटिव है तो आप सीधा ही कह रहे हो मैम अल्फा प्लस बीटा कैसा है? नेगेटिव, और अल्फा इंटू बीटा कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा बोथ क्या होंगे? नेगेटिव। अल्फा और बीटा दोनों क्या बनेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को गलत कर सकते हैं, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, हमने कहा था कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर ओके सॉरी ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो इट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आर ऑलवेज इक्वल, ये भी रॉन्ग हो गया। आर ऑलवेज अनइक्वल, ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? कैन नॉट बोथ पॉजिटिव। देखो इसमें कह रहे हैं अपोजिट साइन, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है।
दूसरा दोनों नेगेटिव, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है इस तरह से. कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव. ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए? अगर पॉजिटिव होते, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो सम नेगेटिव कैसे आता बेटा? ठीक है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, जीरोज इक्वल हैं, जीरोज क्या हैं? इक्वल. तो बेटा हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय ए, और दूसरा कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाय ए. अब मैंने कहा अल्फा को इक्वल ले लो बीटा के, अल्फा को इक्वल ले लो बीटा के, अल्फा और बीटा के सेम साइन होंगे, दोनों के साइन कैसे होंगे? सेम. कैसे मैम? फर्स्ट केस, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे. ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव. अच्छा, अब इसने कहा सी और ए के बारे में, किसके बारे में? सी और ए के बारे में. तो सी और ए तो हमें कौन बताता है? कौन बताता है? अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो भी पॉजिटिव, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो भी पॉजिटिव. अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो. अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और सी बाई ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो. अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब बोथ सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, ये दोनों के दोनों किस साइन के होंगे? सेम साइन. आर यू गेटिंग इट? दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम साइन के. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, होप सो आपको ये जो वीडियो है वो क्लियर होगी. और आपने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाइज आप देखें, और ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू रिवाइज इट. थैंक यू.